खड़गे जी एक बड़ी इम्पोर्टेंट आप कर दीजिए प्लीज 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 अभी स्टेटमेंट होने दो स्टेटमेंट होने दो जी मैं तीन स्टेटमेंट प्लीज प्लीज पहले काम तो पूरा करूं खड़गे जी तो पूरा करूं मैं तीन मिनट में अपने एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण सदन को दे दूं उसके बाद आप विषय उठा दें काम तो अध्यक्ष जी दो दिन पहले इस सदन में प्रोफेसर थॉमस के द्वारा सऊदी अरब में फंसे हुए भारतीय श्रमिकों का मसला उठाया गया था लगभग पूरे सदन ने अपने आप को उसके साथ संबद्ध किया था मैंने उस समय भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी सदन को दी थी उसमें जो प्रगति हुई है वो सदन को बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी मैंने कहा था कि जनरल वी के सिंह को हम वहाँ भेज रहे हैं परसों रात जनरल वी के सिंह वहाँ चले गए कि मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो बात हमने यहाँ कही थी सऊदी अथॉरिटीज़ ने उसका तुरंत संज्ञान लिया और सऊदी नरेश स्वयं सलमान बिन अल अजीज साहब ने ये निर्देश दिया कि दो दिन के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए तो जब जनरल वी के सिंह कल वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लेबर और सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर हक्कानी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई और जितने विषय मैंने यहाँ उठाए थे पहला विषय हमने ये कहा था कि जो भारतीय श्रमिक यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए सऊदी अथॉरिटीज़ हमें एग्जिट वीज़ा की परमिशन दे दें सऊदीज़ ने ये कहा कि वो केवल एग्जिट वीज़ा ही नहीं देंगे एग्जिट वीज़ा के साथ साथ अपने विमानों के माध्यम से अपने खर्चे पर उनको भारतीय भारत में भेजने का काम करें दूसरी बात हमने कही थी कि अगर वो दूसरी जगह कहीं नौकरी उन्हें मिल सकती है तो वो ये इजाज़त दे दें कि दूसरी कंपनियां उन्हें नौकरी दे दें उसको भी उन्होंने मान लिया और ये कह दिया कि इनकी योग्यता के अनुसार जहां कहीं नौकरियां उपलब्ध हैं और वो इनको रखना चाहते हैं तो हम अनुमति देते हैं कि वो इनको रख सकते हैं तो दूसरी जगह भी उन्हें नौकरी मिल सकती है तीसरी बात हमने कही थी कि जो भारत लौटाएं उनके क्लेम्स का क्या होगा उनका बकाया वेतन है 8-8 महीने का तो उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए तो उन्होंने ये मान लिया कि हर वर्कर यहाँ आने से पहले अपना इंडिविजुअल क्लेम यानी व्यक्तिगत तौर पर अपना क्लेम फाइल करके आए उसके बाद इंडियन एम्बेसी रियाद के साथ उनका श्रम कार्यालय उनका लेबर ऑफिस बैठेगा और सारे क्लेम्स को सेटल करेगा भारत आने के बाद भी उनका पैसा उनको यहाँ आकर के मिल जाएगा ये तीसरी चीज़ उन्होंने मानी इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने अपनी ओर से कही है कि जितने हमारे लोग लेबर कैंप्स में इस समय वहाँ अलग अलग कैंपों में हैं उसकी सफाई का प्रबंध वहाँ उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रबंध और उनके भोजन का प्रबंध अब के बाद सऊदी सरकार करेगी भारत सरकार को उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे खुशी है कि इसका उन्होंने तुरंत ऑर्डर भी कर दिया अपनी केटरिंग सर्विसेज को अपनी हॉस्पिटल सर्विसेज को तो एक तो मैं यहाँ भारत सरकार की ओर से इस पूरे सदन की ओर से स्पेशली तौर पर सऊदी नरेश का और सऊदी अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या को गंभीरता से लिया लेकिन इसके साथ ही अध्यक्ष जी मैं अपने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान रिश्ते ऐसे बना लिए अपने स्तर पर भी प्रगाढ़ मित्रता और देश के स्तर पर भी मधुर संबंध जिसके कारण ये परिणाम संभव हो सका और मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि जनरल वी के सिंह वही हैं जो सहमति बनी है उस सहमति को पूरा अमली जामा पहनाने के बाद वो वापस लौटेंगे ये एक संतोषजनक समाधान हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहूँगी।